और ये ना वही वाला नीम टोनर है, नीम पानी है जो मैं उस दिन बना रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप कि सब कोई ठीक है, सेफ है, हम सब भी ठीक है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 7:30 और अभी से मेरा ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी जस्ट मैं बेटू को छोड़कर आ रही हूँ स्कूल, आज भी एग्ज़ाम है। तो कल ना बहुत लेट हो गया था सोते सोते, क्योंकि बेटू को थोड़ा सा रात में पढ़ने में ठीक लगता है पर उसे भोर जल्दी नहीं उठना होता है। तो रात तक वो पढ़ रहा था और मैं उसको पढ़ा रही थी, तो थोड़ा सा रात हो गया था। तो अभी भी लग रहा ना कि हम दोनों का नींद कंप्लीट नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, दोपहर को थोड़ा सा उसको भी सुला दूंगी और खुद भी थोड़ा सा रेस्ट ले लूंगी। तो अभी क्या होता है ना कि 7:30 बजे से 9 बजे तक स्कूल होता है, एग्ज़ाम चलता है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है तो ज़्यादा देर तो स्कूल होता नहीं है। तो मेरे लिए क्या प्रॉब्लम हो जाता है कि उस टाइम में जैसे 8:15 बजे तक मेरी काम वाली मासी आती है। अब एक दो दिन हो तो मैनेज होता है, पर डेली का डेली किसी से मैनेज कैसे हो सकता है? और भी घर करती है वो लोग, उन लोगों को भी अपने टाइम टेबल में मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए क्या करती हूँ कि मैं छोड़ कर आती हूँ बेटू को, और आने के टाइम फिर मेरे भैया जैसे आते हैं अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं तो स्कूल क्रॉस करके आना पड़ता है, तो फिर वो पिक कर लेते हैं, मेरे भैया बेटू को पिक कर लेते हैं। तो अभी तो मेरे लिए और कुछ काम नहीं है, हेडेक नहीं है कि बेटू को लाना पड़ेगा। पर हाँ, बेटू आने से पहले जितना हो सके एटलीस्ट मैं मेरा गला अभी भी बहुत ख़राब है, तो एटलीस्ट मैं क्या करती हूँ ना कि नाश्ते का तैयारी अच्छे से कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह जाने से पहले से वो मुझसे पूछता है कि मम्मा आज नाश्ते में क्या देना है, क्योंकि थोड़ा सा दूध कॉम्प्लेक्स से खा के जाता है, ज़्यादा नहीं खा पाता सुबह सुबह। मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर नहीं खाता है। पर ना मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से सुना है कि उनके बच्चे कुछ भी नहीं खा के जाते हैं स्कूल, पर मैं हमेशा जिससे भी सुनती हूँ मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोशिश करना, कुछ भी हो वो थोड़ा सा कुछ भी खा के जाए, ज़बरदस्ती ही सही लेकिन आदत होना चाहिए, क्योंकि जो सुबह का खाना होता है ना वो मेन होता है। आप पूरे दिन चलोगे, अब आप उठ गए हो तो आपको पूरे दिन अभी काम करना है, तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट बोला जाता है कुछ भी थोड़ा सा होने से भी बच्चों को देना चाहिए, वरना वो बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत लंबा टाइम उन लोगों को, फिर जैसे उठते हैं 5:30 बजे और टिफ़िन अगर होने का भी रहता है तो 9:15 से पहले टिफ़िन तो नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा गैपिंग हो जाता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसको थोड़ा सा दूध का प्रेस खिला के उसके बाद ही भेजूँ, क्योंकि वो ब्रेड सुबह सुबह नहीं खाना चाहता है, कभी कभी बिस्किट खा लेता है और मुझे उसमें शांति नहीं मिलता है कि बिस्कुट में क्या होगा, तो मैं थोड़ा सा दूध कॉम्प्लेक्स ही खिला के उसको भेजती हूँ। तो चलिए, मैं ना 2 मिनट से ज़्यादा बकबक कर रही हूँ और मेरा गला अभी और साथ नहीं दे रहा है, तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। थोड़ा सा डस्टिंग कर रही थी, तो क्या होता है ना कि मासी आने से पहले मैं अगर डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद सारा घर मासी आके झाड़ू पोछा कर लेती है, घर एकदम फ्रेश हो जाता है। तो इसीलिए मैं ना कभी कभी एकदम सुबह सुबह डस्टिंग कर लेती हूँ, और नहीं तो एकदम रात को करती हूँ, कि डस्टिंग वगैरह सारा कुछ जैसे घर में थोड़ा सा जाले वगैरह लग जाते हैं ना, तो रात को सोने से पहले पूरा सर में दुपट्टा वगैरह बांध के मैं पूरा डस्टिंग कर लेती हूँ कि सुबह सुबह मासी आएगी तो सारा घर क्लीन हो जाएगा। अदरवाइज मैं बीच में कभी नहीं करती हूँ, क्योंकि घर में पूरा गंदगी हो जाता है, उसे मुझे साफ करना पड़ता है, तो मैं नहीं करती हूँ।
और ये ना वही वाला नीम टोनर है, नीम पानी है जो मैं उस दिन बना रही थी। तो वो बना के ऐसे मैं ऐसे रख देती हूँ स्टोर करके, और जितना ज़रूरी होता है उसको मैं ऐसे स्प्रे बॉटल में निकाल लेती हूँ और उसको ऐसे स्प्रे कर लेती हूँ कभी भी, क्योंकि ये जैसे ड्राई हो जाएगा ना तो ना ही आपके हेयर में कुछ इसका स्मेल रहेगा, ना ही तो इसका कुछ चिपचिपापन रहता है। तो जैसे पानी लगने से, हेयर में पानी लगने से जैसे ड्राई होने के बाद नॉर्मल हो जाता है, वैसे नॉर्मल हो जाता है, पर इसका जो फ़ायदा है वो रूट तक पहुंच जाता है। और बेटू को भी बहुत सारा रैसेस निकल गए थे ना, मैं बता रही थी ना कि रैसेस निकल गए हैं जिसके लिए मैं स्पेशल ये बना रही थी, तो उसको भी बहुत आराम मिल गया है। मैं एक बार सुबह लगा दी थी और एक बार नहाने के बाद लगा दी थी, तो उसको बहुत आराम मिल गया है इससे। तो ये ना बहुत फ़ायदेमंद है। और रात को सोने से पहले मैं जब भी फेस वॉश करती हूँ ना, तो थोड़ा सा इसी को टोनर के हिसाब से लगाती हूँ, तो बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। ऐसे मुझे पिंपल वगैरह नहीं होते हैं, पर अगर किसी को पिंपल होता है तो इससे ज़्यादा अच्छा तरीका मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो सकता है। और हेयर में मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि देखना तो इधर से आगे से ना सबका शायद यही प्रॉब्लम होता है, आगे से हेयर एकदम ना उठने लगते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा निकल जाए भाई, क्योंकि इससे हेयर ग्रोथ भी होता है। तो चलिए मैं अभी जाऊंगी चाय पीने, क्योंकि चाय मैं चढ़ा चुकी हूँ और अब वो भी गया होगा। बेटू के लिए है गर्मा गर्म ऑमलेट और रोटी, बेटू का फेवरेट है ना। तो अभी देखिए मेरा नहा के पूजा करना सारा कुछ हो गया है और बेटू गया है नहाने, नाश्ता हो गया है उसका। तो अब मैं करूँगी नाश्ता, तब मैं दिखा रही थी कि बेटू क्या खा रहा है नाश्ते में। उसका ऑल टाइम फेवरेट है ऑमलेट और रोटी, कुछ भी अगर समझ में नहीं आए तो ऑमलेट रोटी दे दीजिए, वो आराम से खा लेगा। पर मेरा जो नाश्ता है मैंने उसको भी ऑफर किया था, पर उसमें है वेजिटेबल तो उसको अभी नहीं खाना था। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे खाती हूँ। तो ये है मेरा फेवरेट वाला भाजी, इसमें है आलू, प्याज, थोड़ा सा गाजर है, थोड़ा सा बीट है और बहुत सारा हरी मिर्च है। और जब ये फ्राई हो जाता है ना अच्छे से, तो ऊपर से मैं एक अंडा फेंक के डाल देती हूँ, अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ उसको भी साथ में। ये ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है रोटी के साथ खाने में, बहुत ज़्यादा यम्मी होता है। तो बेटू को भी मैं बोल रही थी खाने के लिए, पर उसको शायद आज वेजिटेबल खाने का मूड नहीं था। तो चलिए मैं खा लेती हूँ, अपना नाश्ता कर लेती हूँ पहले। तो देखिए बेटू का नहाने के बाद ना मैं थोड़ा सा ऐसे लगा देती हूँ, तो ये रहेगा अभी स्किन में। और इसका देखिए रैसेस एकदम कम हो चुका है, यहाँ बहुत ज़्यादा रैसेस था। तो चलिए इस ब्लॉग को हम लोग कहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि आज ना खाना पकाने का कोई चक्कर नहीं है। मेरे लिए सब्जी है और रोटी मैंने सुबह बना के रख लिया था, और बेटू के लिए बस बनेगा चिकन। तो मासी को भी आज छुट्टी दे दी हूँ, क्योंकि एक तो कुकर होगा तो उसके लिए फिर क्या मासी को परेशान करना। तो बस आज खाना पकाने से मेरा छुट्टी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि बेटू को थोड़ा सा स्टडी करवा लेती हूँ इस टाइम में, है ना बेटा, क्योंकि शाम को बेटू को थोड़ा सा जाना है कहाँ, फ्रेंडशिप बैंड खरीदने, क्योंकि फ्रेंडशिप डे आ रहा है। तो उसको ऑलरेडी मिल चुका है, एक दो शायद मिल चुका है, तो उसको भी, हाँ दो मिल चुका है, तो उसको उसको भी चाहिए फ्रेंड्स के लिए फ्रेंडशिप बैंड।
तो इसलिए हम लोग शाम को थोड़ा सा निकलेंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलेगा शाम को, इसलिए अभी थोड़ा सा काम कम है तो स्टडी भी थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना बिट्टू? तो चलो, तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलती हूँ नए फ्रेश ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।